स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी मैथ पाठशाला में। मैथ पाठशाला में आज हम प्रश्नावली 11.2 करेंगे। 11.2 का पहला क्वेश्चन है आपके पास, एक मेज के ऊपरी पृष्ठ का आकार समलंब जैसा है, यदि इसकी समांतर भुजाएं 1 मीटर तथा 1.2 मीटर है तथा इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी क्या दे रखी है आपको 0.8 मीटर है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये दोनों समांतर भुजाएं हैं, इनका माप आपको दे रखा है और इन दोनों के बीच की दूरी, ये जो बीच की दूरी है वो हमेशा लंबवत दूरी दी जाती है। ठीक है, तो आपके पास ये क्या क्या करती है, समलंब की आकृति, क्या लिखेंगे, समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र आपके पास क्या होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणा में क्या होता है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, ये दूरी हमेशा कैसी होती है, लंबवत होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, दोनों भुजाओं का माप दे रखा है और बीच की दूरी भी दे रखी है, तो हम मेज के ऊपरी सतह का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे, मेज के ऊपरी सतह जो कि क्या है, समलंब है, का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, 1/2 गुना समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाएं क्या है, 1 + 1.2 और गुना में क्या दे रखा है आपको, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है, 0.8 मीटर। ठीक है, अब 1/2 गुना इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2.2 और गुना में क्या है, 0.8। दो के पहाड़े से इसको हम काट सकते, 2 × 2 फिर दशमलव है, 2 × 2, इन दोनों का जब आप गुना करोगे तो आपके पास कितना आएगा, ऐसे। ठीक है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे है, एक अंक यहाँ पे है, तो टोटल कितने अंक हो गए आपके पास, 2, तो आपके पास यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 ही अंक होने चाहिए, तो हमारे पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, 0.88 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास रहेगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन है आपके पास दूसरा, एक समलंब का क्षेत्रफल 34 सेंटीमीटर स्क्वायर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, यदि समांतर भुजाओं में से एक की लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है तो दूसरी समांतर भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। सबसे पहले तो आपको ये क्या दे रखा है, समलंब दे रखा है, तो हम समलंब की आकृति बना लेंगे। ठीक है, समलंब की आकृति आपको क्या दे रखी है, ये। ठीक है, अब समलंब के अंदर आपका इसका क्षेत्रफल आपको दे रखा है 34 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपको दे रखा है क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरा इसकी ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, ये ऊंचाई ये आपको दे रखी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी एक भुजा की लंबाई आपको 10 सेंटीमीटर दे रखी है, दूसरी भुजा को हम मान लेते हैं कि वो x सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, माना दूसरी भुजा कैसे है, समानांतर भुजा, लंबाई कितने मान ले, बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर हमें पता है समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समलंब का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 1/2
34। ठीक है, हमने ये सारे मान रख दिए। अब यहाँ पे हम इसको हल करेंगे, दो के पहाड़े से 4 कट जाएगा, दो बार आपके पास कितना आ जाएगा 34 बराबर 10 प्लस एक्स और गुणा में 2। जो संख्या इधर गुणा में है उसको जब हम पक्षांतरण करेंगे तो वो इधर आके कैसी हो जाएगी, भाग में। तो 34 बटे 2 बराबर 10 प्लस एक्स। ठीक है, इसको काटेंगे तो ये कितने पे कट जाएगी, 17 पे। 17 बराबर किसके आ गया आपके पास, 10 प्लस एक्स। ठीक है, जब हम इस 10 को इधर लेके जाएंगे तो ये प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 17 माइनस 10 बराबर एक्स, और यहाँ से एक्स का मान कितना आ जाएगा 7। एक्स बराबर क्या आ गया 7। तो हम क्या लिखेंगे, दूसरी समांतर भुजा की लंबाई बराबर 7 सेंटीमीटर, और यही आपको क्या करना था ज्ञात। अगला क्वेश्चन है तीसरा आपके पास, तीसरे क्वेश्चन में देखिए, एक समलंब आकार के खेत ABCD की बाढ़ की लंबाई 120 मीटर है। यदि BC 48 मीटर, CD 17 मीटर और AD आपको दे रखी है 40 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजा AB समांतर भुजाओं AD तथा BC पर लंब है। ये जो भुजा AB है वो BC पर भी और AD पर भी लंब है, यानी कि ये आपको क्या दे रखी है, लंबवत दूरी दे रखी है। ठीक है, लेकिन ये हमें क्वेश्चन में बताई नहीं गई है इसकी लंबाई कितनी है, वो हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, समलंब का परिमाप कितना दे रखा है आपको, 120 मीटर। और समलंब के परिमाप से मतलब क्या है, इसके चारों तरफ की दूरी। तो उसके चारों तरफ की दूरी में क्या आएगा, AB प्लस में BC प्लस में CD प्लस में AD या DAD बराबर किसके होना चाहिए, 120 मीटर के। ठीक है, जिन जिन का मान हमें पता है उनका मान रख दो, AB हमें नहीं पता तो हम AB को ऐसे ही रखेंगे। BC कितना दे रखा है, 48 प्लस CD 17 प्लस में 40 बराबर 120। इन सभी को जोड़ लो, AB प्लस 105 बराबर 120। इस 105 को जब हम इधर लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, AB का मान कितना आ जाएगा आपके पास, 120 माइनस 105, AB आपके पास कितना आ गया, 15 मीटर। अब आपके पास ये जो लंबवत ऊंचाई है वो कितनी आ गई, 15 मीटर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, AB जो कि क्या है, ऊंचाई कितनी है, 15 मीटर। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, इसका क्षेत्रफल। तो हम क्या लिखेंगे, समलंब आकार के खेत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है, 1/2 समांतर भुजाओं का योग और गुणा में क्या होता है, ऊंचाई। ठीक है, तो यहां पे आपके पास 1/2 समांतर भुजाएं कौन कौन सी है, AD और BC। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 40 प्लस 48 और गुणा में ऊंचाई कितनी है, 15। ठीक है, सारे मान रख दिए आपने, 1/2 40 और 48 को जोड़ दो आपके पास कितना आ जाएगा, 88 गुणा में 15। ठीक है, काटो इसको, कितने पे कट जाएगा, 44 पे। इन दोनों की गुणा कर दो, ये
विकर्णों का गुणनफल, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, पहला विकर्ण गुणा में दूसरा विकर्ण, ठीक है। तो एक बटे दो